हर हर महादेव। हर
तो इसमें मैं ये जो जंगम होते हैं जिसमें ये जो सॉन्ग है जो गाना है ये रिकॉर्ड किया है मैंने, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेते हैं। जो जंगम होते हैं वो उनसे हम नॉर्मली थोड़ा सा दूरी बना कर रखे तो सही है, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उन आम लोग नहीं समझ पाते उनको कौन है क्या है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा नहीं उनसे पूछना नहीं चाह रहा। तो इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये कपिल चौबे जी हैं, तो ज़रा इनसे पूछते हैं जंगम के बारे में। अब जंगम कौन है तो ये वो हैं, इनके बारे में यही बताएंगे क्या है, चलिए बताइए आप ज़रा। हर हर महादेव। ये जंगम जो हैं ये बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और ये बाबा की महिमा गाते हैं, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं वहाँ ये जाते हैं और साधु संतों की सेवा करके और बाबा का गुणगान करके भक्तों को रिझाना इनका काम है। और बाकी यहाँ पे ऐसा है कि जो जंगम पार्टी के लोग आते हैं और वो बाबा की महिमा गाते हैं और इसका बहुत अच्छा रहता है और मतलब उनके भजन सुन के लोग बाग बहुत प्रभावित होते हैं। ये जंगम क्यों बन जाते हैं? और ये जंगम गृहस्थी होते हैं, बने नहीं होते हैं। और क्या है, बाबा का गुणगान कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है। ये पंजाब के लोग हैं और ये जंगम एंड पार्टी है। और इसका क्या है कि जो जंगम बहुत अच्छा पार्वती और पिता परम पिता पूजनीय श्री बाबा भोलेनाथ की ये महिमा बखान करते हैं और ये बहुत अच्छे हैं और ये लोग एकाग्र हीपन चाहते हैं और प्रभु की इच्छा इन लोगों पे बहुत बनी, प्रभु की कृपा भी इन पे बनी रहती है और जहाँ इच्छा होती है वहाँ पे भजन तथा और मतलब तमाम प्रकार की गुणगान बाबा का करते हैं। हर महादेव हर।